बाबा। हाँ बेटा। क्या मेरी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आएगा? अल्लाह चाहे तो जरूर ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने तो कहा मेरी आंखों की रोशनी आ भी सकता है, वरना कभी भी नहीं आएगा। टेंशन मत करो, एक दिन तुम्हारी आंखों की रोशनी जरूर आएगी। बेटा मुझे तुमसे कुछ कहना। हाँ बोलिए ना पापा। बेटा मैं तुमसे एक बात छुपाई थी, तुम्हारी कुंडली में दोष है। क्या मतलब? मतलब ये कि 25 साल के होते ही तुम मर जाओगे। क्या? हाँ मुझे इससे बचने का एक ही उपाय है। कैसा उपाय? शादी कर लो, फिर तुम्हारा सारा दोष है तुम्हारी बीवी पे चला जाएगा और कुछ ही दिनों में मर जाएगी। उसके बाद तुम दोनों शादी कर सकते हो। पापा ये सब कुंडली दोष वगैरह मैं नहीं मानता, और मैं मिजना को धोखा नहीं दे सकता। मनीष मैं इन सब बातों को मानती हूँ, और मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं हूँ ना तुम्हारे पास, उसके मरते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन पापा ये सब जान के मुझसे शादी करेगा कौन? एक लड़की है मेरी नजरों में जो अंधी है, हम उसको बताएंगे ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, और उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। चलो मैं तुम्हारी शादी की बात करता हूँ। बेटा तेरे लिए खुशखबरी है। क्या बाबा? इस शहर के सबसे अमीर घर से तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, और उनको तेरे अंधे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। सच में बाबा? हाँ बेटा, अभी तुम भी दुल्हन बनेगी। अगर मिजना मुझे यहाँ देख लेगी तो मेरी खैर नहीं, मैं चलता हूँ। ये मनीष कहाँ रह गए? पूरी रात गुजर गया वो नहीं आए, शायद कोई काम आ गया होगा। ये मनीष तो अभी तक नहीं आए। मनीष, मनीष अब कहाँ पर है? हाँ सिरिन मैं यहीं पे हूँ। मनीष मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अंदर चलो। मनीष आप ठीक तो हो ना? कल पूरी रात आप रूम पे नहीं आए। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मेरे फाइनल के एग्जाम आ रहे हैं ना, इस वजह से मैं बहुत तैयारी कर रहा हूँ। इवन मैंने अपना कमरा भी चेंज कर लिया। तुम नाराज तो नहीं हो ना? अरे नहीं, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करो, लेकिन हाँ अपने पढ़ाई से 2 मिनट टाइम निकाल कर उससे बात करने आ जाना। हाँ जरूर। सिरिन मैं चलता हूँ, तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो यहाँ किसी भी नौकर से बोल देना। ठीक है। यार मनीष तुम उससे इतने अच्छे से क्यों बात कर रहे थे? कहीं तुम सच में उसको अपनी वाइफ तो नहीं मानने लग गए? यार तुम पागल हो क्या? वो बिचारी 2 दिन में मरने वाली है, वो भी मेरी वजह से, इसलिए थोड़ा अच्छे से बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो ना शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ हाँ जरूर। मनीष यहाँ कोई है क्या? मैंने किसी लड़की का आवाज सुना है। हाँ वो मेरे बचपन की फ्रेंड मिजना है ना, वो आई है, ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। अच्छा मिजना कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। सिरिन हम बाहर हॉल में बैठ के चाय पीते हैं। क्या मुसीबत है? मुझे इस अंधी से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो मनीष के पैसों से। जिस दिन ये सब मुझे मिल गया ना, उस दिन मनीष को लात मार के चले जाऊंगा। लेकिन इस सब के लिए मुझे इस अंधी को पहले साइड करना होगा। बहुत हो गया, और तो तुझे मार के ही छोड़ूंगी। शिरिन भाभी कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपको पता है मनीष को ना फ्लावर्स बहुत पसंद है। सच में? हाँ, और आपकी टेरेस पे ना बहुत खूबसूरत फ्लावर्स है, अगर आप उसको फ्लावर दोगी ना उसे बहुत अच्छा लगेगा। चलो ना फ्लावर्स लेकर आते हैं। आप लेकर जाओगे मुझे? क्यों नहीं, मैं लेके जाऊंगी ना। चलो। शिरिन मैं तुम्हें कह रही थी ना कि टेरेस पे बहुत अच्छे फूल हैं। तो सामने बहुत अच्छे फूल हैं। जाओ तोड़ लो। कितना सामने? थोड़ा सा आगे जाओ। और कितना सामने मिजना? थोड़ा सा और। आज तो इस अंधी को डुबा कर मारूंगी। शिरिन
क्या कर रही थी तुम सिरिन? अभी गिर जाती तो? मनीष क्या हुआ? अरे मनीष मैं तो मजाक कर रही थी भाभी के साथ, तुमने तो सारा मजा ही खराब कर दिया यार। ये कैसा मजाक था मिर्जना, तुम्हें पता ये देख नहीं सकती, अगर गिर जाती तो? अरे तो मैं उसे बचा लेती ना, मैं उसे गिरने नहीं देती, क्योंकि मैंने कहा ना मैं मजाक कर रही थी। तुम चुप रहो, चलो सिरिन। क्या था ये सब, ये मनीष कर क्या रहा है? मनीष ये सब क्या था? क्या मिर्जना? कहीं तुम उस संधि से प्यार तो नहीं करने लगे? यार मिर्जना ऐसा कुछ नहीं, तुम आके बैठो। मिर्जना ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो, प्यार तो सिर्फ मैं तुमसे ही करता हूँ। लेकिन कब? कब ये मुसीबत मरेगी और हमारी शादी होगी? मैं तंग आ गई हूँ इस सब से। बहुत जल्द, रैम सॉरी मैं तुम पे चिल्लाया। कोई बात नहीं, मैं कितनी तकदीर वाली हूँ, जब मनीष जैसा हस्बैंड मिला, कितना केयर करते है वो मेरा। क्या हुआ सिरिन, तुम ठीक तो हो ना? मनीष आज मेरा तबीयत बहुत खराब लग रहा है और मुझे डर भी लग रहा है, क्या आज रात यहाँ पर आप रह जाओगे मेरे पास? शायद मेरे कुंडली दोष का असर होने लग गया। क्या हुआ बताओ ना। हाँ तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। सो गई। कहाँ थे इतना टाइम? बेबी वो सिरिन की थोड़ी तबीयत खराब थी, बेचारी बोल रही थी आज मेरे पास ही रुक जाओ, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया मैं। क्या हुआ बेबी, गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? मनीष, ये मनीष कहाँ चले गए? ये तो खाली है। कितनी अच्छी दिखती हूँ, मेरी आंखों की रोशनी आ गई। ये बात अगर मनीष को पता चलेगा वो कितना खुश हो जाएंगे। मैं अभी जाकर उन्हें बताती हूँ। लेकिन वो है कहाँ? देखती हूँ, बेलकनी में भी नहीं है, शायद हॉल पे होंगे। यहाँ भी नहीं है तो शायद टेरेस पे होंगे, जाकर देखती हूँ। लड़की का आवाज, वो किसी लड़की के साथ है क्या? अब शायद शिरिन पे आपके कुंडली दोष का असर होने लगा और वो जल्दी ही मर जाएगी। हम दोनों शादी कर लेंगे, है ना बेबी? हाँ मेरी जान, मैंने तो अपनी कुंडली दोष हटाने के लिए संधि से शादी की थी, वरना उस संधि से शादी कौन करता? छोड़ो ना यार उसकी बात। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ, इससे तो अच्छा था मैं अंधी रह जाती, कम से कम मुझे ये सब तो नहीं देखना पड़ता। अब बस मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देती हूँ। मनीष। हाँ क्या कर रहे हो आप? वो सिरिन मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। यार मनीष एक साल होने वाला है और ये अंधी मरने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा करते हैं उसको जंगल में छोड़ाते हैं। मिर्जना ये सही नहीं है। क्या सही बात नहीं है? तुम्हें उस अंधी से इतनी हमदर्दी क्यों है? मिर्जना ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर चलो ना, चलो। सिरिन मिर्जना और मैं ये सोच रहे थे कि हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तुम भी चलो ना हमारे साथ। ठीक है। सिरिन आप यहाँ पे वेट करो, तब तक हम कॉफी लेके आते हैं। ठीक है। मनीष
सिरिन, तुम देख सकती हो? हाँ, देखो ना, मुझ जैसे बदनसीब की आंखों की रोशनी आती ही मुझे तुम लोगों की धोखे के बारे में पता चल गया। तुम्हें पता है, जिस दिन मेरी आंखों की रोशनी आई थी, मुझे लगा था सबसे ज्यादा खुश तुम होगे, लेकिन मुझे क्या पता, तुम तो मेरे मरने की इंतजार कर रहे थे। और हाँ, मुझे कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चली जाती हूँ। सिरिन, मेरी बात तो सुनो। अच्छा हुआ कि तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल गया। तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। बेटा। बाबा। बेटा क्या हुआ, तू देख सकते है क्या? हाँ मैं देख सकती हूँ। तू रो क्यों रही है? तू टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू अंदर चलो। चलो, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो चाहता था कि वो मेरी लाइफ से चले जाए, फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मनीष ने जो मेरे साथ किया, मैं उसके लिए कभी उन्हें माफ नहीं करूंगी। बेटा, ये कैसा हालत बनाया तुमने अपना, कब तक ऐसा चलेगा? चलो उन पर केस करते हैं। नहीं बाबा, उन लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है, वही करेंगे उनका हिसाब। हेलो भाभी, आपको पता है मनीष सीढ़ियों से गिर के पैरालाइज हो गया। क्या? मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ बेटा? बाबा, वो मनीष को पैरालाइज हो गया, मैं उनके पास जा रही हूँ। उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम जा रहे हो? बाबा, उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, लेकिन हूँ तो मैं उनकी पत्नी है ना। प्लीज बाबा, मुझे अपनी पत्नी धर्म निभाने दो, जाने दो मुझे। ठीक है बेटा। मनीष, तुम्हारी स्पाइन पे चोट लगने की वजह से तुम्हारा लोअर पार्ट पैरालाइज हो गया है, और डॉक्टरों के मुताबिक अब शायद तुम कभी चल नहीं पाओगे। क्या मिजना, अब तुम ही एक मेरा सहारा हो, मेरा ख्याल रखोगी ना? पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। मैं तो तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारे साथ थी, और अब मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं एक अपाहिज के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार दूं। जा रही हूँ मैं। मिजना, अब तुम ही रहो इस अपाहिज के साथ। कैसे हो आप? ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे साथ बुरा करने की सजा मिली है मुझे। मनीष, आपने जो मेरे साथ किया, उसके लिए कभी मैं आपको माफ तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, एक पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है आपका ख्याल रखना, और वो मैं रखूंगी। आप टेंशन मत करो, बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। मैं कितना तकदीर वाला हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाली बीबी मिली है, और मैं इसके साथ इतने दिनों से गलत कर रहा था। सिरिन, क्या हुआ, तुम ठीक हो? तुम इधर सो जाओ। कितनी अच्छी है मेरी बीवी। सिरिन, माफ कर देना मुझे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ओह माय गॉड, मेरा पैर हिल रहा है। उठो।
मनीष तुम गिरे कैसे थे? सिरिन तुम्हें पता है ये मेरी उंगली हिली थी। क्या? हाँ, और मैं चलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें लेकर चलती। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। मनीष, आज चलकर कैसा लगा तुम्हें? सिरिन, मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। हाँ, बहुत जल्द ठीक हो जाओगे तुम। मेरे इतना गलत करने के बाद भी इसने मेरा साथ दिया, कितनी अच्छी है ये। मनीष, सिरिन देखो, मैं एकदम ठीक हो गया, अब मैं चल सकता हूँ। थैंक यू सो मच सिरिन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मनीष, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, सिरिन के आने से पहले मैं फ्लावर ले आता हूँ और आज सिरिन को अपने दिल की बात बता दूंगा। क्या हुआ, आप दोनों इतने परेशान क्यों? बेटा, सिरिन की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। क्या? ये सब मेरे कुंडली दोस्त की वजह से हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, हमने आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, लेकिन हाँ, अब मैं सच में सिरिन से प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। अब वो ही नहीं रही तो मैं जी के क्या करूँ? सिरिन तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर ये सब क्या था? आप लोगों को अपनी गलती के एहसास दिलाने के लिए बाबा और मैं मिलकर बस एक प्लान किया था। हेलो बाबा। हाँ बेटा। अब मनीष बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब उनका गलती का एहसास दिलाने का टाइम आ गया, इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। ठीक है। और हाँ, ये भी एहसास दिलाना था कि कुंडली दोष वगैरह कुछ भी नहीं होता, ये बस एक अंधविश्वास होता है। बेटा हो सके तो मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं पापा, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आपको माफ कर दिया। सिरिन, अब तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी।